गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू आर आर वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रोबेबिलिटी पार्ट फाइव नाउ द क्वेश्चन इज ट्वेल्व डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद वन थर्टी टू गुड वंस क्या कहा जा रहा है आपके पास टोटल नंबर वन थर्टी टू मतलब गुड पेन है मीन्स उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है एंड ट्वेल्व आपके पास डिफेक्टिव पेन है तो आपने डिफेक्टिव पेन को वन थर्टी टू पेन के साथ मिक्स कर दिया है

दोनों दिखने में स्ट्रक्चर एक जैसा एक ब्लू है एक ब्लैक है बट क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से वाला डिफेक्टिव नहीं बता सकते ना यहाँ पे ब्लैक पेन डिफेक्टिव है बट आपको नहीं पता चलेगा सो so क्वेश्चन में क्या कहा है आप देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा डिफेक्टिव है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट जो आपके पास लॉट था उसमें से आपने क्या कर लिया एक पेन को रेंडमली उठा लिया अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन द प्रॉबल्टी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन आपको बताना है कि क्या प्रॉबल्टी है कि जो आपने पेन उठाया है वो अच्छा ही हो मीन्स उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से देखते हैं सोल्यूशन में हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेन निकालने पड़ेंगे गुड पेन कहाँ नंबर ऑफ यहाँ पे दिए हैं नंबर ऑफ गुड पैंस कितना है भाई वन थर्टी टू एंड डिफेक्टिव पेन नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितना है ट्वेल्व दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ पेन होंगे वो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स इजिकल टू क्या हो जाएगा डिफेक्टिव प्लस गुड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर पैंस इतने हो जाएंगे आपके पास देन आपको तो प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स क्या आ जाएगा बेटे अब देखो फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी वन थर्टी टू क्योंकि गुड पेन की जो आपकी नंबर uh, ऑफ है क्वांटिटी वो कितनी है वन थर्टी टू दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है टोटल तो आपके पास 144 है ना सिलेक्ट तो आप 144 में से ही कर रहे हो ना सो so आपके पास फेवरेबल तो कितना वन थर्टी टू भाई वन में से ही कोई अच्छा पेन मिल सकता है आपको 144 में से थोड़ी मिल सकता है डिफेक्टिव में क्या आपको अच्छा पेन मिल सकता है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एंड टोटल नंबर ऑफ कितना है 144 फोर्टी देन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास फोर से हो सकता है फोर थ्री जहाँ फोर टू जा, फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व देन फोर सिक्स जा. अब किससे करेंगे थ्री वन जा, थ्री वन जा थ्री वन जा थ्री टू टैट मीन्स इलेवन बाय ट्वेल्व सो जो पॉसिबिलिटी है गुड पेन की वो कितना है इलेवन बाय ट्वेल्व नाउ कम टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई आ लोट ऑफ ट्वेंटी बल्ब कंटेन फोर डिफेक्टिव वंस वन बल्ब इज ड्रोन एट रेंडम फ्रॉम द लोट वॉट इज द प्रोबलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहा है भई आपके पास ट्वेंटी बल्ब है जिसमें से जिसमें आपके कितने हैं नंबर ऑफ फोर डिफेक्टिव भी हैं ट्वेंटी बल्ब के अंदर फोर डिफेक्टिव भी हैं वन बल्ब आपने उसमें से निकाला है तो आपसे प्रॉबलिटी पूछी जा रही है कि जो आपने वहाँ से बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव है ठीक है सो so, फटाफट करते हैं सेकेंड पार्ट को जब सोल्व करेंगे तब समझेंगे पहले हम फर्स्ट वन को सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं टोटल नंबर्स ऑफ बल्ब कितना है भाई ट्वेंटी है जिसमें से नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितना है नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा फोर क्वेश्चन में दिया है दैट मीन्स प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम कितना है भाई डिफेक्टिव तो फोर ही है ना तो फोर में से ही आप डिफेक्टिव निकलेगा अब देखो ट्वेंटी में से डिफेक्टिव नहीं निकल रहा है फेवरेबल तो फोर ही है क्योंकि फोर ही आपके डिफेक्टिव है तो फोर में से कोई एक बल्ब आप निकाल सकते हो है ना लेकिन टोटल बल्ब कितने आपके हाँ पास ट्वेंटी पार्ट में क्या कहा है लेट्स सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एट इज नॉट रिप्लेस क्या कहा है मान लो जो फर्स्ट में आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था मान लो कि जो आपने फर्स्ट में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और ना ही आपने उसको रिप्लेस किया है ठीक है ना वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्राम द रेस्ट वॉट इज़ द प्रोबी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव कह रहा है कि जो बचे हुए बल्ब हैं उनमें से आपने एक बल्ब निकाला है जिसमें आपको बताना है कि जो बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है प्रॉबर्टी किसकी बतानी है कि जो बल्ब आप निकाल रहे हो वो डिफेक्टिव नहीं है लेकिन एक बात क्या कह दी है कहा गया है कि जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब आपने निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था ऐसा आपको मानना है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया मीन्स जो निकाल दिया वो निकाल दिया टोटल में से वन बल्ब मीन्स निकल चुका है अब आपके पास कितने रह गए हैं नाइनटीन अब ट्वेंटी थोड़ी रह गई है सो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सो तो हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट में द बल्ब ड्रॉन in first is not replaced so kya ho jayega remaining remaining number of bulb kitna reh jayega bhai 20 minus 1 that is 19 Definitely सी बात है जब replace ही नहीं किया तो एक कम हो गया भाई देन क्या हो जाएगा भाई आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है तो इट मींस हम यहां से नंबर ऑफ वो बल्ब देखेंगे जो डिफेक्टिव नहीं है मीन्स आप यहां पे क्या देखोगे टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब लिख सकते हो या नॉट डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे भाई अब तो सिर्फ आपके पास नाइनटीन है और नाइनटीन में से फ़ोर क्या है डिफेक्टिव तो नाइनटीन में से फोर डिफेक्टिव चले गए तो आपके पास जो गुड है जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने हैं फिफ्टीन हमने फिफ्टीन क्यों लिखा क्योंकि जो हमें निकालना है वो फिफ्टीन में से ही तो निकालोगे आप क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि इज़ लेट्स सपोज द बल्ब ड्रोन नो इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस ना तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा और ना ही वो रिप्लेस किया जाएगा देखो अगर वो डिफेक्टिव होता ना तो यहाँ से जो वन बल्ब की वैल्यू कम होती ना वो गुड में से हो जाती हो जाती कि नहीं हो जाती लेकिन क्वेश्चन में साफ़ साफ बोल दिया कि वो जो निकाला है ना वो डिफेक्टिव ही था डिफेक्टिव था वो ठीक है तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या रहे हैं कि आप ये फोर बल्ब यहाँ से कम करोगे क्योंकि आपको अच्छे वाले की क्वांटिटी यहाँ पे लेके आनी ही है सो so आप क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब